भाई अगर हम आज की डेट में 15,000 के अंदर किसी गेमिंग फोन की बात करें तो मतलब भूल ही जाओ कि आपको गेमिंग फोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं 3 से 4 फोन निकाल लिया हूँ जिनमें आप थोड़ी बहुत डिसेंट गेमिंग कर सकते हो और वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इनफैक्ट आप हाई सेटिंग्स वगैरह पे गेमिंग उसमें आराम से कर पाओगे। तो आज हम उन्हीं फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट जो सारे मैं आपको फोन बताने वाला हूँ वो गेमिंग के साथ साथ ओवरऑल डिसेंट पैकेज के साथ आते हैं, मतलब उसमें सभी कुछ आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने गेमिंग के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया है वो रखा है 6 GB की रैम। देखो यार अगर हम आज की डेट में बात करें तो एटलीस्ट आपके फोन में 6 GB की रैम होना मेरे ख्याल से नेसेसरी हो गया है। अगर आप गेमिंग की साइड देख रहे हो तो मेरे ख्याल से 6 GB रैम होना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ ही साथ 128 GB की स्टोरेज होना भी इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट आपके फोन में 64 GB की रोम तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया मैंने सेट कर लिया है। साथ ही साथ डिसेंट प्रोसेसर होना चाहिए, मतलब इतना कैपेबल प्रोसेसर होना चाहिए कि आपकी जो गेमिंग वगैरह है वो स्मूथली चल सके। तो ये सारे क्राइटेरियाज रखे हैं। और जो आपकी डिस्प्ले है वो फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती हो, तो मतलब ये छोटे मोटे से क्राइटेरियाज मैंने रखे हैं जिनको देखते हुए आपको जो फोन है वो रिकमेंड करने वाला हूँ। तो मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट निकल करके आता है वो है इन्फिनिक्स का हॉट 10S। अब इसको रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 64 GB की रोम देखने को मिल जाती है। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 11,000 रुपये। तो आपको अगर 11,000 के प्राइस सेगमेंट में देखो तो यहाँ पे बेस्ट फोन देखने को मिल रहा है। हीलियो का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो प्रोसेसर भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जा रहा है। जिस प्राइस पे देखने को मिल रहा है डिसेंट वहां पर बोलेंगे, आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह कर सकते हो इसमें। इनफैक्ट यहां पर जो डिस्प्ले देखने को मिल रही है वो 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 6.78 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है, काफी बड़ी डिस्प्ले है और हायर रेजोल्यूशन के साथ आती है। साथ ही साथ आपको हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड बिलीव मी, हायर रिफ्रेश रेट आपके गेमिंग में हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये सारे स्पेक्स इस फोन को गेमिंग फोन बना देते हैं। अगर आपका बजट जो है वो काफी टाइट है 10 से 11,000 के आसपास, तो इस फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद आपको रिकमेंड करना चाहूंगा रेडमी का नोट 10S। भाई ये फोन मैंने खुद भी परचेज किया था, इसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। ये फोन सबसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6 GB रैम 64 GB रोम के साथ ये एग्जैक्ट आपको 15,000 का पड़ेगा। और यहाँ पर आपको हीलियो का G95 वगैरह देखने को मिल जाता है। हीलियो का G95 इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ हुआ प्रोसेसर है, वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है और हाई सेटिंग्स पे आराम से चल जाता है। PUBG वगैरह भाई बहुत ही स्मूथली चल जाता है। तो ये फ़ोन डेफिनेटली रिकमेंडेड है। कैमरा भी इसका अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ डिस्प्ले में तो मैंने आपको बता ही दिया, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो आप इसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स दे रखी हैं, मतलब जितने भी फोन्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको सभी की लिंक्स देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से चेकआउट कर लेना। Redmi के Note 10S के बाद मैं रिकमेंड करना चाहूंगा Motorola का G40 Fusion। भाई ये फोन काफी तगड़ा है, मतलब यहाँ पर आपको 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे प्रोसेसर पुराना है डेफिनेटली, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलती है। आप इसमें फ्लुएंटली गेमिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी दे रखी है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। कैमरा भी काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो मतलब काफी कमाल का फोन है। अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो 64MP के साथ आता है मेन कैमरा सेंसर, 8MP का आपको वाइड देखने को मिल जाता है, बाकी 2-2MP के रखे हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। इसके साथ साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड पे फोन देखने को मिल जाता है, तो काफी हल्का फोन है। यहाँ पर जो UI है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ 6000mAh की कैपेसिटी के साथ आता है, बैटरी भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो भाई सभी कुछ यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिल जाता है। 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, तो भाई सब कुछ बेस्ट है यहाँ पर। 15,500 रुपये में ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फोन जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये लास्ट फोन है इस लिस्ट में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Redmi के Note 11T 5G के बारे में। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फर्स्ट सेल में आपको ये 15,000 का देखने को मिल जाएगा। 6 GB रैम 64 GB रोम के साथ आता है, एंड इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वो है MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट। 6nm बेस प्रोसेसर है भाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 5G होने वाला है फोन, तो भाई ये अल्टीमेट फोन होने वाला है। कैमरे के मामले में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 50MP का यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर है, 8MP वाइड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कोई सपोर्टिव 2-2MP के नहीं लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट वगैरह भी देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में, तो भाई इस फोन के साथ डेफिनेटली आप जा सकते हो। और यहाँ पर जो 5G देखने को मिलता है ना उसमें 7 बैंड है, साथ ही साथ ये डुअल 5G के साथ आता है, मतलब दोनों सिम में आपको 5G देखने को मिल जाएगा। UFS 2.2 वाली स्टोरेज है, तो सभी कुछ यहाँ पर भी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो ये मेरी लिस्ट में प्रायोरिटी रहेगा। अगर आप 15,000 के अंदर कोई फ़ोन देखने जा रहे हो तो ये प्रायोरिटी रख लेना।
पहली सेल के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तब ये शायद प्रायोरिटी पे ना रहे, लेकिन अभी जब तक पहली सेल हो नहीं जाती तब तक ये प्रायोरिटी पे रहेगा। आपको सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल दोस्तों से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से 96% लोग जो कि चैनल देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना ग्रोथ कैसे होगी भाई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक है, वहां पर भी जाकर के फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।